वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कुछ शेयर के बारे में और इन शेयर के ऊपर सिर्फ लेवल के ऊपर मैं बात करूंगा। अगर आप चाहते हो किसी भी शेयर के ऊपर कोई डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। जैसा कि मैंने आपके सामने ओपन किया, इस शेयर का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इस शेयर का करंट प्राइस है 48 रुपीज़ 80 पैसे और इसकी डे की क्लोजिंग हुई है 0.31% डे हाई पे हुई है। तो इसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम रह रहा है कुछ दिनों से, तो इसके ऊपर मैं सोचा कि वीडियो बना दूँ। तो जैसा कि अभी अगर कोई इस शेयर को बाय करना चाहता है तो सिंपल है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो अभी बाय मत करो। अगर आपका ट्रेडिंग का प्लान है तो 48 रुपीज़ के SL के साथ आप इसे बाय कर सकते हो। और जो हमारा इसमें टारगेट है, टारगेट अभी के लिए हमारे पास है वो करीब 52 का टारगेट है। और अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे सही टाइम है आपको, अगर 46 रुपीज़ के आसपास अगर ये शेयर मिले तो सबसे सही टाइम है इस शेयर को बाय करने का। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की। इस शेयर का नाम है NLC इंडिया लिमिटेड। इस शेयर का करंट प्राइस है 68 रुपीज़ 40 पैसे और इसकी जो डे की क्लोजिंग हुई है 5.56% डे हाई हुई है। तो एक बार इसका लेवल देख लेते हैं। जैसा कि हमारे पास इस शेयर का जो एक सपोर्ट आ रहा है करीब 67 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट आ रहा है और अभी करंट प्राइस 68 रुपीज़ है। और अगर आप देखोगे ना, पूरे चांस है कि ये शेयर अभी 67 रुपीज़ को ब्रेक करना मुश्किल है। अगर यहाँ थोड़ी गिरावट हुई तो यहाँ से सपोर्ट इसे मिलेगा और यहाँ से रिकवरी कर सकता है। और जो इसमें हमारा टारगेट है, टारगेट अभी के लिए 75+ का हमारा टारगेट है। और अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हो तो हमारा 65 रुपीज़ के SL के साथ आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। और जो इसमें अगर आप इस शेयर को इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। जब आपको करीब 60 रुपीज़ यानी करीब 60 रुपीज़ के आसपास ये शेयर मिले तभी आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए तभी इस शेयर को बाय करो। अभी का जो प्लान है वो ट्रेडिंग का प्लान है। जो यहाँ पर SLR हमारा 65 रुपीज़ का और जो इसका सपोर्ट है, जैसे कि 68 रुपीज़ का अभी शेयर का प्राइस है, अगर थोड़ी गिरावट हुई तो 67 रुपीज़ पूरे चांस है कि यहाँ से ये सपोर्ट ये ब्रेक नहीं करेगा और यहाँ से रिकवरी करेगा। और जो हमारा टारगेट है वो 75+ का इसमें हमारा टारगेट है। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की। इस शेयर का नाम है NTPC लिमिटेड। इस शेयर का करंट प्राइस है 136 रुपये 45 पैसे और इसकी डे की क्लोजिंग हुई है 0.15% डे लो पे हुई है। तो एक बार इसका सपोर्ट देख लेते हैं। जैसा कि अभी का जो प्राइस है, अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से अभी ट्रेडिंग का एकदम सही टाइम है। आप 132 रुपये के SL के साथ इसे ट्रेड कर सकते हो और हमारा टारगेट होगा अगर ये 140 रुपीज़ के ऊपर अगर 2 दिन सस्टेन हो गया ना इसके ऊपर, तो आराम से कुछ ही दिनों में शेयर 150 रुपये तक हमें आराम से जाता हुआ मिल सकता है। तो यही हमारा टारगेट है 150 का। अगर ये 140 रुपीज़ के ऊपर कुछ दिन सस्टेन हो गया, SL हमारा 132 का है, अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तब मेरे हिसाब से अगर ये शेयर आपको कभी 120 रुपये के आसपास मिले तब बिल्कुल सही टाइम है इस शेयर में इन्वेस्ट करने का। और डिविडेंड भी पे करता है, सरकारी कंपनी है। अगर आप इसको सही टाइम पे अगर आप बाय कर लो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छा खासा डिविडेंड पे करता है और नॉर्मल ग्रोथ भी आपको देता ही है। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की। इस शेयर का नाम है CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड। इस शेयर का जो करंट प्राइस है 161 रुपीज़ 30 पैसे और इसकी जो डे की क्लोजिंग हुई है करीब 5% आग के आसपास डे लो हाई पे हुई है। तो एक बार हम इसका एक लेवल देख लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास इसका सपोर्ट आ रहा है अभी 160 रुपीज़ के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर कोई इसे बाय करना चाहता है, न्यू बायर है, जब तक ये शेयर 164+ के ऊपर मिनिमम 2 से 3 दिनों तक सस्टेन नहीं होता तब तक कोई भी न्यू बाय से बाय मत करना। और जो अभी हमारा SL, अगर किसी ने शेयर बाय करके 150 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग SL है, अगर कोई इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर किसी का प्लान है, तब अगर ये शेयर आपको 100 रुपये के आसपास मिले तभी आप इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करोगे। वरना ये जो सपोर्ट है इन्हीं सपोर्ट के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। अभी अगर आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो आप इन्वेस्ट अभी बाय मत करो, थोड़ा वेट करो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।